यह बिहार के विशेष दर्जा से कम नहीं है और रोजगार का सृजन का बजट है। कहाँ 370 का मामला हार गया, उसने तो कुछ किया नहीं, तो जो करते नहीं है वो ज्यादा बोलते हैं। रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद कुमार जी हैं जो कि कला संस्कृति मंत्री हैं। सर, आज का मुद्दा तो सबसे पहले जो आज बजट सत्र हुआ है उसके बारे में सबसे पहले कहना चाहेंगे। देश के हितकारी बजट है, गाँव गरीब किसान का रक्षा का बजट है और रोजगार का सृजन का बजट है और यह बजट आने वाले समय में भारत को और गतिमान बनाएगा और उत्कृष्ट काम में बढ़ाएगा। सर, जैसे अभी भी विपक्ष का हमला हो रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि किसी तरह का रोजगार का या किसी उस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। अभी विपक्ष की बात हमसे पूछ रहे हैं, उससे पूछिए। उसके जी में जब शासन था तो उसको कोई मना किया था कि काम मत करो? कहाँ सबको बिजली दिया, कहाँ सबको पानी दिया, कहाँ 12 माही सड़क बनाया? उसने तो कुछ किया नहीं। कहाँ 3 तलाक का मामला हल किया, कहाँ 370 का मामला हल किया? उसने तो कुछ किया नहीं। तो जो करते नहीं हैं वो ज़्यादा बोलते हैं और जो करते हैं वो काम करके दिखाते हैं। सर, कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात कही जा रही थी नीतीश कुमार के द्वारा, तो क्या लगता है कि इस बार भी वो पूरा नहीं हो पाया? देखिए, विशेष राज्य की दर्जा में जो प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा अपने प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज दिया है और उस विशेष पैकेज के तहत जितनी योजनाएं बिहार के ली गई है जो वर्षों से पेंडिंग था, आपका चक्का फैक्ट्री, बरौनी का फर्टिलाइजर, कांटी का थर्मल पावर और ऐसे कई योजनाएं थी, कई सेतु बड़े बड़े, कई बड़े बड़े सड़क, कई रेल के नए नए लाइन, तो ये सब जो विशेष पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है यह बिहार के विशेष दर्जा से कम नहीं है। इसकी जब तरक्की होगी, इसकी जब डेवलपमेंट होगी, हर घर को बिजली, हर घर को शौचालय, हर घर को पानी, ये सब जो काम बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध हुई है, तो स्वतः बिहार जो है इस बुनियादी सुविधाओं से और आगे तरक्की करेगा। सर, जैसे सरकारी ऑफिसेज का जो निजीकरण हो रहा है तो उसको लेकर क्या कहिएगा? ऐसा तो कोई सरकारी अभी निजीकरण में ये मामला आ रहा है कि रेलवे भी आगे 50 वो आने वाली है। अभी नहीं, रेलवे कभी निजीकरण के तरफ नहीं बढ़ा है, रेल मंत्री का स्पष्ट बयान आया है पार्लियामेंट में। जैसे तेजस एक्सप्रेस अभी स्टार्ट हुई है, आगे आने वाले समय में ऐसा आशा लगाया जा रहा है कि 50 ट्रेनें और शुरुआत होने वाली हैं, फिर कुछ रेलवे स्टेशनों को भी ऐसा किया जा रहा है। नहीं, निजीकरण कुछ नहीं होगा, रेल का निजीकरण का संभव नहीं है। ये तो रेल को मेंटेनेंस पॉलिसी के लिए, चादर के लिए, तकिया के लिए, फिर उसको साफ सुथरा सफाई के लिए, ये सब सिस्टम चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ कला संस्कृति मंत्री बिहार सरकार के। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।